क्या दोस्तों आपका भी बैंक अकाउंट पीएनबी में है और आप चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर करना, यानी कि आप अपनी होम ब्रांच को चेंज करना, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप अपने पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को एक शहर से दूसरे शहर में बिना बैंक जाए अपने मोबाइल फोन से कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हो जाती है तो वीडियो के अंत में जाकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो दोस्तों मैं लाइव प्रूफ पूरा प्रोसेस समझाने के लिए अपने मोबाइल फोन पर चलता हूं और आपको दिखाता हूं पूरा प्रोसेस कैसे कैसे क्या करना रहेगा। सो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन में पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं, पीएनबी वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। जैसे आप पीएनबी वन एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाते हैं आपके सामने फिर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने लगता है। जैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपको अपना वहां पर पीएनबी वन में जब लॉगिन होते हैं आपको अपना एक एम पिन सेट करना रहता है। तो आपको यहां पर सबसे पहले एम पिन डालना है। जैसे आप अपना एम पिन डालेंगे, एम पिन डालने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पर लॉगिन हो जाएंगे। एमपिन में लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी बैंक अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए हमें करना क्या होगा, जैसे तो कॉर्नर सर्विसेज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको कॉर्नर सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे आप कॉर्नर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको अदर्स के ऑप्शन पर एक बार टैप करना है। जैसे आप अदर्स के ऑप्शन पर टैप करेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद चेंज होम ब्रांच का ऑप्शन नजर आ गया है। जैसे चेंज होम ब्रांच का ऑप्शन नजर आ गया है तो आपको चेंज होम ब्रांच पर टैप करना है। जैसे आप चेंज होम ब्रांच पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको अपने यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल कर देना है जिस भी आप अपने अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो अब आपके अकाउंट की जो भी डिटेल है वो खुलकर आ जाएगी, करेंट आईडी क्या है उसकी और किस जगह पर आपका अकाउंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो सर्चर का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपको सर्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्चर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ब्रांच को सर्च, अपनी ब्रांच को यहाँ पर सर्च करना है। ब्रांच कोड या डिस्क्रिप्शन या डिस्ट्रिक्ट कुछ भी डाल करके, जैसे मैं अपना डाल देता हूँ, देख सकते हो जिस जगह मुझे ट्रांसफर करना है उस जगह के यहाँ पर ब्रांच कोड को डालना होगा। जैसे मैंने उस कोड को डाला उसके बाद सर्च पर क्लिक करूंगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो उस मैंने जो जिस जगह मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ उस जगह का नाम यहाँ पर आ गया है। तो आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नजर आ गया कंटिन्यू पर टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, प्री कन्फर्मेशन, आपसे फिर से कन्फर्मेशन करने के लिए ये डिटेल दी जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो भी आप लॉगिन करते समय टीपिन बनाए थे आपको अपने यहाँ पर टीपिन डाल देना है। टीपिन डाल, जैसे आप टीपिन डाल देंगे उसके बाद में आपको एक बार सबमिट पर टैप करना है। सबमिट पर टैप करने के बाद में आपका अकाउंट सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएनबी वन के अकाउंट की होम ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप कि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या नॉलेजेबल रही होगी। अगर दोस्तों इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना लाता रहता हूँ।